चाइनीज वायरस को लॉक करने वाले राष्ट्रव्यापी प्लान की कल यानी 27 दिसंबर को देश के सभी हेल्थ सेंटर पर एक साथ मॉक ड्रिल होगी। चाइनीज वायरस को हराने के इंतजामों का लाइव टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में पास हुए तो देश में लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी और अगर फेल हुए तो लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चाइनीज वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन का चांस कितना है, कितने प्रतिशत है, हम आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे देश में दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना आए। देश के किसी भी हिस्से में लॉकडाउन की नौबत ना आए, चाइनीज वायरस को वन टाइम फैलने से पहले ही लॉक कर दिया जाए, इसके राष्ट्रव्यापी प्लान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 27 दिसंबर यानी अगले कुछ घंटों में चाइनीज वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की जाएगी। देश के छोटे से लेकर बड़े हेल्थ सेंटर पर रिहर्सल होगा, यानी कोरोना आया तो वक्त रहते उसके विस्तार पर ब्रेक लगा दी जाएगी। पूरा आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मतलब ये कि लॉकडाउन न लगे इसके लिए मोदी एंड कंपनी फुल एक्शन में है। आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम अपने मैसेज में क्लियर कट बता दिया। अगर आप नहीं माने तो लॉकडाउन के दिन लौट आए। सबसे पहले मोदी का मैसेज आपको सुनवाते हैं। पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। मोदी ने समझा दिया है कि सावधानी क्यों जरूरी है। लॉकडाउन तक बात न पहुंचे, वक्त रहते चाइनीज वायरस को बेदम किया जाए, इसके लिए मोदी ने राष्ट्रव्यापी ऑर्डर को लागू करवा दिया है। एक दिन एक साथ एक वक्त पर देश के सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल होगी। देश में चीन जैसा सीन न बने इसके लिए आईसीयू, हॉस्पिटल बेड, कोविड वार्ड, आइसोलेशन सेंटर, ऑक्सीजन और दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई का रिहर्सल होगा। जहां जहां कमी पाई जाएगी वहां वहां चाइनीज वायरस के अटैक से पहले डिमांड के हिसाब से सप्लाई पूरी करवा दी जाएगी। देश में कोविड महामारी न फैले उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि चाइनीज वायरस आपके न्यू ईयर प्लान में खलल न डाले इसकी पूरी तैयारी है। हालांकि आज कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए कि एक छोटी सी गलती न्यू ईयर के गुड टाइम को बैड टाइम में बदल सकती है, क्योंकि 2022 जाते जाते अपने साथ एक खतरा लाया है और 2023 की शुरुआत डबल डेंजर की दस्तक समझिए। एक तरफ चाइनीज वायरस का अटैक, दूसरी तरफ खून जमा देने वाली सर्दी का प्रहार, यानी आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर मास्क और दो गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा तो जिंदगी में दुर्घटना घटते देर नहीं लगेगी। यहां आपको समझना है कि सर्दी लग गई या फिर कोरोना हुआ तो सिम्टम करीब करीब कॉमन है, मतलब आपकी एक गलती पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। ठंड का तो बहाना है, ठंड का तो बहाना है, भीड़ में जाना है। अभी एक पर्व तो निकाल दिया क्रिसमस का, अब न्यू ईयर पे सावधानी रखना है। ठंड से हर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और कोविड पड़ता है। ये फैक्ट है, क्योंकि ठंड में हमारी रेजिस्टेंस पावर लंग्स की, जो कि रेडिएटर है बॉडी का, कम होती है। इसलिए ये कहना सही है कि कोई भी रेस्पिरेटरी या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोल्ड के वेदर में बढ़ सकती है। क्लिनिकली तो हम हिस्ट्री लेके बहुत बारीकी से पूछते हैं, जाड़ा लगा एकदम से सडनली रात भर
उसके बाद बुखार आया, उसके 4-5 दिन बाद वो कोविड के लिए हम देखते हैं आमतौर पर, जो कि मरीज बाद में आता है। लेकिन जब मैंने कल से लोगों से कहना शुरू किया है कि आप इस तरह की इलनेस हो रही है, आप फौरन कोविड का होम टेस्ट या जो रैपिड टेस्ट किट है उससे कराइए, किसी ने भी मना नहीं किया। तो इस वक्त लोगों में जागृति है और अवेयरनेस है, लोग जैसे ही चाहते हैं कि हम कोविड से बचें तो उनको जाकर घर पर एक सेल्फ टेस्ट मॉनिटरिंग किट से देख लेना चाहिए, और जरा भी वो डाउटफुली पॉजिटिव आ रहा है तो फौरन जाकर अपना आरटीपीसीआर कराना चाहिए। आज तक ब्यूरो। चाइनीज वायरस को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से आई है, जहां पर कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। कर्नाटक में बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन कैसे पूरे देश में इससे खतरे की घंटी बज गई है, इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। अब आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। चीन से आए पॉजिटिव का नेगेटिव एंगल, एयरपोर्ट पर स्कैनर पकड़ा गया कोविड। कर्नाटक में मास्क कंपलसरी हो गया। मास्क नहीं लगाया तो लॉकडाउन लगेगा। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का डर लौटा। न्यू ईयर के लिए आपने बहुत सारे प्लान बना रखे होंगे। नए साल में कुछ दिन बचे हैं, पर खतरा सिपर है। क्रिसमस बीत गया लेकिन न्यू ईयर की पार्टी अभी बाकी है। अगर अगले कुछ दिनों में केस बढ़े तो सख्ती शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आपने मास्क और 2 गज की दूरी वाले मंत्र से कोरोना को लॉक नहीं किया तो फिर कोरोना विस्फोट होगा। कोरोना विस्फोट हुआ तो चीन जैसा सीन होगा। मतलब ये कि लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन लगा तो न्यू ईयर के लिए घर से दूर गए लोग फंस सकते हैं, विदेश से लौटे या फिर देश में टूरिस्ट प्लेस से। कोविड पॉजिटिव पाए गए तो आइसोलेशन में रहना होगा। सरल शब्दों में समझें तो बचना है तो मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, वरना लॉकडाउन मुमकिन है। खास तौर में जो ज्यादा चिंताजनक हुई है कि जो चाइना में केसेस हैं, हमें पूरा अंदाजा नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन केसेस जरूर बढ़े हैं वहां पर। तो इन चीजों को देखते हुए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 हफ्ते से लगातार केसेस कम होते चले जा रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से तो 500 से भी कम केसेस हैं और मृत्यु का आंकड़ा भी बहुत नगण्य है। यहाँ आपको समझना है कि कोविड को लेकर आई पहली एडवाइजरी या गाइडलाइन में क्या है। कर्नाटक के मूवी थिएटर, स्कूल, कॉलेज में मास्क कंपलसरी हो गया। पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल के जश्न के दौरान मास्क कंपलसरी है और नए साल की पार्टी रात के 1 बजे से पहले खत्म करनी होगी। अभी ये गाइडलाइन कर्नाटक में आई है और कई राज्यों में भी आ सकती है। That they wear masks without fail and in all the closed places, especially in clubs and theaters, cinema, we have recommended that they should, a spectator should wear the mask compulsorily. And similarly, we have restricted the celebration time in Bangalore and all other cities of Karnataka, that 1 a.m. is the deadline to serve the last food order or the drink order. अभी देश में चाइनीज वायरस कंट्रोल में है। टीम मोदी ने स्टेप बाय स्टेप फुल एक्शन प्लान जारी कर दिया है। अगर हालात बिगड़े तो क्या होगा? नंबर 1, मास्क कंपलसरी। नंबर 2, 2 गज की दूरी कंपलसरी। नंबर 3, नाइट कर्फ्यू। नंबर 4, लिमिटेड लॉकडाउन। चीन समेत दुनिया के कुछ मुल्कों ने भारत के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। अच्छी बात यह है कि वक्त रहते लॉकडाउन की नौबत न आए, लिहाजा चाइनीज वायरस को लॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना के सब वेरिएंट BA.7 ने तबाही मचा रखी है और आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद भारत में
इस वायरस ने घुसपैठ कर ली है। जी हाँ, चीन से लौटे यूपी के आगरा का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो कर्नाटक में भी चीन से लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। ऐसे में हड़कंप मचना लाजमी है। इतना ही नहीं, चाइनीज वायरस की दहशत के बीच में बिहार के गया में भी 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो कोलकाता में भी दुबई और मलेशिया से लौटे हुए 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। चीन में कोरोना का सबसे घातक अलार्म बज रहा है, क्योंकि चीन में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा केस आ रहे हैं। लेकिन चाइनीज वायरस अब भारत में भी घुसपैठ करने लगा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेड इन चाइना वायरस चीन से भारत के लिए ट्रैवल कर रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में डर है कि क्या भारत में फिर से कोरोना की नई लहर आएगी। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 लोगों को तड़पा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में हर छठा व्यक्ति BF.7 से इन्फेक्टेड है। भारत में चीन के इस घातक वायरस की घुसपैठ ना होने पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद चाइनीज वायरस भारत के सुरक्षा कवच को भेद कर दाखिल हो चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। चीन से आगरा लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। अब आगरा से लेकर पूरे यूपी में अलर्ट मोड पर सरकार। किस किस से मिला चीन से आया शख्स, कहां कहां गया? चीन से लौटे शख्स के परिवार समेत 37 लोगों की कोरोना जांच। जी हां, जिसका डर था वही हुआ, आखिरकार चाइनीज वायरस भारत तक आ ही गया। अब आपको बताते हैं कि ये शख्स चीन से आगरा तक कैसे पहुंचा, तो सुनिए। आगरा की मारुति स्टेट कॉलोनी के रहने वाले 40 वर्षीय शख्स चीन की नेशनल सेंट्रल सिटीज मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। वहां वो 2020 से काम कर रहे हैं और आगरा नहीं आए। 22 दिसंबर को वो फ्लाइट के जरिए चीन से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से टैक्सी लेकर वो आगरा आते हैं। 23 दिसंबर को वो एक प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करवाते हैं और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। इसके बाद तो हड़कंप मच जाता है। 22 को इन्होंने दिल्ली में लैंड किया और 23 को ये आगरा आए थे। इन्होंने स्वयं अपनी स्वतही अपनी जांच एक प्राइवेट लैब में कराई थी, जिसमें ये RT-PCR में इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और इस समय इनको कोई सिम्टम्स नहीं है और ये अपने घर पे होम आइसोलेशन में है। और इनके जितने भी कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया गया है, उनके करीब 27 हम लोग अब तक टेस्ट कर चुके हैं, टेस्ट सैंपल ले लिया है। इसके अतिरिक्त जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए इनका सैंपल हम लोग ने लखनऊ भेज दिया है, जिससे कि जो भी वेरिएंट अगर कोई भी संभावना है तो उसको हम लोग रूल आउट कर पाए। अब आगरा पहुंचे शख्स के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMU लखनऊ भेजे गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो चीन में फैले कोरोना वायरस के वेरिएंट BF.7 है या नहीं। लेकिन कोरोना की पुष्टि होने के बाद रैपिड रेस्पॉन्स टीम आगरा में उनके घर पहुंचती है। घर पर उनकी पत्नी और बेटे समेत संपर्क में आए कॉलोनी के लोग और दूध वाले समेत 37 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही उस टैक्सी वाले की भी तलाश चल रही है, जिस टैक्सी में बैठकर वो दिल्ली से आगरा पहुंचे। आगरा से जो केस आया है, जिस तरह से जो चाइना में एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है, वो चीन से यात्रा करके आए थे। उनकी पॉजिटिव आने के बाद हमने जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। वो घर पर आइसोलेशन में है, कोई पहने की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है, नियंत्रण में है। लेकिन ऐसे सभी यात्री जो विदेश यात्रा करके आए हैं, हम उनसे अपील करते हैं, करबद्ध अनुरोध करते हैं, कृपया कोविड निगेटिव जांच आने के बाद ही सार्वजनिक स्थलों पर निकले, तब तक आइसोलेशन में रहें। और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सरकार कर रही है। हम आपको बता दें कि चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद से ही फ्लाइट पर बैन लगाने की बात हो रही थी। हालांकि इस समय चीन से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो बंद है, लेकिन दूसरे देश के रास्ते लोग चीन से भारत तक पहुंच रहे हैं। आइए समझाते हैं कैसे। इस समय मलेशिया, सिंगापुर आदि देश होकर चीन से लोग भारत आ रहे हैं। यदि आप चीन जाना चाहें
तो भारतीय हवाई अड्डे से श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, हांगकांग आदि देशों से होकर चीन के एयरपोर्ट तक जाने का टिकट मिल रहा है। पश्चिम एशिया या यूरोपीय देशों के रास्ते भी लोग चीन से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में चीन से आने वाले दूसरे रूट पर भी पाबंदी की मांग उठना शुरू हो गई है। कोरोना से संक्रमित एक शख्स चीन से आगरा तक पहुंच जाता है तो बिहार में भी 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये 4 विदेशी बिहार के गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इन यात्रियों की गया एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की गई थी। इसी जांच में 4 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इन 4 में से 3 लोग बैंकॉक के और 1 कोविड पॉजिटिव म्यांमार का बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 1 महीने के प्रवास पर हैं। 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वो प्रवचन देंगे और इसमें 50 से अधिक देशों के विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। कर्नाटक में भी 2 हफ्ते पहले चीन से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है, जबकि कोलकाता में दुबई और मलेशिया से लौटे 2 शख्स कोरोना संक्रमित है। इस तरह से आगरा में 1, बिहार में 4 विदेशियों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और भारत में चाइनीज वायरस घुसपैठ को देखते हुए मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको लिए चलते हैं चीन। चीन में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है। इतने केसेस आ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं कि चीन ने गिनती पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन दौर सोशल मीडिया का है, रिपोर्ट्स लगातार आ रही है। चीन में किस कदर हालात खराब हैं, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट आप देखिए। चीन में कैसे कोरोना ने तबाही मचा रखी है, इन आंकड़ों से सब कुछ समझ में आता है। पिछले 20 दिन में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हर रोज 10 से 18 हजार लोग संक्रमण के चलते दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल श्मशान भर जाने के बाद शव कोल्ड स्टोरेज में रखे जा रहे हैं। चीन में बढ़ते संक्रमण के चलते खून का भी संकट होने लगा है। एक दिन में 3,70,00,000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चीन की सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों को जारी करने पर रोक लगा दी है। अब चीन सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमित को लेकर रोजाना जारी होने वाली रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। हालांकि अभी भी अलग अलग सोर्स से इस तरह के कई आंकड़े सामने आ रहे हैं। चीन के पत्रकार जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि शनिवार को एक दिन के अंदर 8,000 चीनी नागरिकों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ा। इससे पहले 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा 10,700 लोगों की मौत हुई थी। आलम यह है कि अस्पतालों और अंतिम संस्कार स्थलों पर लाशें रखने के लिए जगह तक नहीं बची है। बड़ी संख्या में लाशों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। चीन के पत्रकार जेनिफर जेंग खुलासा करती है कि राष्ट्रपति जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव येन ली हालात का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान वो लाशों के ढेर को देखकर फफक कर रो पड़े। नए साल से पहले कोविड का खतरा भी गया नहीं कि कड़ाके की सर्दी का नया खतरा आ गया। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का शिकंजा लगातार कस चुका है। दिल्ली में दोपहरा 3 डिग्री तक लुढ़क चुका है। राजस्थान में 0 डिग्री का टॉर्चर शुरू हो गया है। तो क्या राजस्थान के बाद अब दिल्ली में ये 0 डिग्री वाली सर्दी पड़ेगी? दिल्ली में 3 डिग्री तक गिरा तापमान। राजस्थान के चूरू में 0 डिग्री का अटैक। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रहार। पंजाब से हरियाणा तक ठंड का कहर। सावधान, दिल्ली पर 0 डिग्री का डेंजर। मौसम ने करवट बदली और दिल वालों की दिल्ली कड़ाके की ठंड से कांप उठी। दिसंबर ने इशारा कर दिया कि जनवरी में दिल्ली को जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जनवरी जमा देने वाली होगी। सर्दी के प्रचंड प्रहार को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा,
इंक्लूडिंग दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है, इवन नॉर्थ राजस्थान में नियर 0 डिग्री भी है। तो ये कंडीशंस अभी आने वाले 24 घंटों में कंटिन्यू करेगी। उसके बाद हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण प्लेन्स को तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। उसके कारण ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्का फुल्का स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। तो उसके बाद ये टेम्परेचर मिनिमम। मैदानी इलाकों में लुढ़कता तापमान लोगों को डरा रहा है, और खास तौर से दिल्ली में बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। मैं अगर बात करूं तो ठंड भगाने के लिए चाय का सहारा ले रहा हूं, लेकिन आसपास के हम लोगों जो खड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की ठंड? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, गलन हो रही है। हाँ, हाथों में पूरा गलन हो रहा है, समझे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम। तो इस वजह से चाय, बस चाय पी के काम चला रहे हैं। देखिए सामने चाय ले रखा है। कैसे ठंड सर? बहुत सी सर ठंड है, कड़ाके का ठंड है। आपको तो कपकपी भी छूट रही है। हाँ, कपकपी छूट रही है। तो देखिए, इस तरीके से जो अगर आप बात की जाए, और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को और ठिठुरन महसूस होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर दिल्ली में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर वो और भी जो है कम होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो चाहे रात हो या फिर दिन, प्रचंड सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। आज भी दिल्ली काफी ठंडी हवा चल रही है, डे टेम्परेचर कम है, ये कोल्ड डे के कारण है। कोल्ड डे में हम क्या कंसिडर करते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो आपके नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम है, तो उस केस में, और मिनिमम 10 डिग्री होने चाहिए, तो वो कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रही हैं। कल भी थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी कंटिन्यू करेगी, और इसके बाद अवेट हो जाएगी, बिन खत्म हो जाएगी। इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मैदानी इलाकों में हड्डियां कांपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर का ये सिलसिला 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। मतलब ये कि नए साल पर 0 डिग्री का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। चंडीगढ़ में तो पारा 2 डिग्री तक लुढ़क चुका है। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, यहाँ दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। चंडीगढ़ में तापमान की बात करें तो रात का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। वहीं दिन का तापमान भी 11 डिग्री तक गिर चुका है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। लगातार तापमान में जिस तरह से गिरावट हो रही है, उसके चलते कोहरे में भी खासा इजाफा हुआ है। न्यूनतम डिग्री जो है वो लगभग 8-9 के करीब रात का टेम्परेचर यूपी के कई जिलों में रहा है। अगर बात राजस्थान की करें तो पारा कहीं 0 डिग्री तो कहीं 1 डिग्री तक फिसल चुका है। मतलब ये कि पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, और अभी दूर दूर तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो। अपने देश की राजधानी में गिरते पारे का टॉर्चर देखा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया इस वक्त रेफ्रिजरेटर से भी ज्यादा तेजी से जम रही है। कनाडा के कई हिस्सों में पारा -52 डिग्री तक चला गया है, जो अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन ने तबाही मचा रखी है। जापान में इतनी बर्फबारी हुई है कि सब कुछ बर्फ के आगोश में समा गया है। दुनिया इस वक्त भारी बर्फबारी का कहर झेल रही है, खासकर 3 देशों कनाडा, जापान और अमेरिका में हालात भयंकर है। जापान में 229 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है, तो अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन ने कहर बरपाया हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।